नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका नाचीस दोस्त और होस्ट आज की शाम का, आज शिवांग दवे, रेडियो मौसम के इस बेहतरीन टॉक शो बातों बातों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बातों बातों में रेडियो मौसम का एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल टॉक शो है, जिन्हें हर हफ्ते, हर हमेशा हम नई नई सेलिब्रिटीज को आपके सामने लाते हैं, उनके लाइफ की जर्नी के बारे में हम जानते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो आज एक ऐसी ही सेलिब्रिटी आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले रेडियो मौसम के बारे में बता दें दोस्तों कि सिर्फ 3 महीनों में रेडियो मौसम ने 53 कंट्रीज से ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बना ली है, और ये इंटरनेट बेस्ड ये रेडियो है जिसे लोगों ने बहुत ही प्यार किया है, और 75,000 से ज्यादा लिसनर्स रोज हमें मिलते हैं। तो रेडियो मौसम, इट्स ऑसम। और हमारे साथ है इस टॉक शो में अहमदाबाद की, गुजरात की बहुत ही फेमस आर्टिस्ट निकिता शाह, जो कि कुछ बेहतरीन गीतों के जरिए हमारा साथ देंगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे इस टॉक शो बातों बातों में के गेस्ट की। एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में और इंडियन टेलीविजन में अपना एक अलग मकाम बनाया है। फिल्मों में चाहे अलग अलग किरदार हो, चाहे टेलीविजन में अलग अलग किरदार हो, चाहे कैरेक्टर रोल्स हो, चाहे कॉमेडी रोल्स हो, चाहे विलन के रोल हो, हर रोल में उन्होंने अपनी एक अलग सी एक छवि बनाई है। हिंदुस्तानी सरजमीन के महानतम विलन अजीत साहब के ये साहबजादे हैं, और हम सबके चहेते वेरी वर्सेटाइल एक्टर शहजाद खान साहब। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मौसम में। रेडियो मौसम, इट्स ऑसम। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम, नमस्ते। मैं शहजाद खान, और वाकई में रेडियो मौसम इज ऑसम, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने का, और जो सुन रहे हैं उनका डबल शुक्रिया कि आप लोग हम सबको सुन रहे हैं। पूछ फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? और जी हाँ, एक और चीज, आपको आपके नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप लोग के पास एक नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ गया, उसकी भी बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद मेरे अमेरिका में रहने वाले भाई और बहनों को। यस, तो शहजाद जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे दोबारा से हम रेडियो मौसम के इस बेहतरीन टॉक शो बातों बातों में। बातों बातों में हम आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को छूने जा रहे हैं जो आज तक शायद आम जनता को नहीं मालूम। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं। शहजाद जी, ये बताइए कि सभी जानते हैं कि आप अजीत साहब के बेटे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए, कहां से आपने फिल्मों में और टेलीविजन में शुरुआत की? स्ट्रगल करना पड़ा था, या फिर अजीत साहब के बेटे होने के वजह से कुछ इजी था? हमें आप ही की जुबानी आपकी कहानी बताइए, आपकी शुरुआत की जो कहानी है वो बताइए प्लीज सर। मैं आपको, आप सबको अपनी दर्द भरी कहानी बताता हूँ। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली मेरे फादर जो है अजीत साहब, वो चाहते थे, एक मिनट, मेरी शॉर्ट हैंड बार बार आ जाता है, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हाँ, शेर की आवाज तो कहीं भी सुनाई देगी जी। तो कमिंग बैक टू माई जर्नी ऑफ लाइफ टिल हियर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे फादर अजीत साहब जो है वो कभी नहीं चाहते थे मैं एक्टर बनूं, चाहते थे मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, या वकील बनूं, या लॉयर बनूं, या कुछ, यू नो, बड़ा अच्छा कुछ काम करूं, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से सख्त नफरत थी, मुझे पढ़ाई से उतनी नफरत थी जितनी नफरत क्या मैं बताऊं, जो तो आई हेटेड इट, I just hated studies. I said studies is not my cup of tea. किताबों से मुझे बिल्कुल लगाव नहीं था, कोई लगाव नहीं था, बस एक ही चीज से लगाव था, और वो था एक्टिंग।
मैं कुछ नहीं मिले तो मैं आईने के सामने खड़े होकर बड़बड़ाने लगूं, मैं बाथरूम में जाऊं वहां वहां जो मिरर होता उसके सामने बड़बड़ाने लगूं, कभी इसकी नकल करूं, कभी उसकी, कभी दिलीप साहब के डायलॉग्स बोलूं, कभी अपने फादर की डायलॉग्स बोलने लगूं। ये तो एक बार स्कूल में ऐसी एक्स टेम्पो कॉम्पिटिशन था, उन्होंने टीचर ने ऐसी पिकअप किया, मुझे बोला आप कुछ भी बोलिए। तो मैंने पता नहीं क्या आया मेरे अंदर, मैंने अपने फादर की आवाज़ निकाल दी और बोला तो आप वो हो गए, आप तालियां मारने लगे क्लास में। उन्होंने यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, और मुझे बहुत बचपन से, मुझे एक्चुअली शौक नहीं कह सकते आप, मुझे जुनून था एक्टिंग का, और अपने फादर को देख देख के और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई, लोग समझते कि भाई एक्टर का बेटा है तो बहुत ज़्यादा रेड कारपेट इसके लिए बिछाया गया होगा और इसको एवरीथिंग यू नो सब चीज़ मिल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी का बाप भी किसी को एक्टर नहीं बना सकता जब तक कि उस शख्स के अंदर खुद में जुनून ना हो, शौक नहीं। शौक या एक्टर तो जिंदगी में कोई नहीं बन सकता, पैशन, एक्टिंग का जुनून होना चाहिए, और वो जुनून जो ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने आप को फना कर देना है, मतलब इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अगर मुझे कोई कहे कि पान की दुकान खोल दो तो मैं पान की दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं पान की दुकान चला सकता हूँ, क्योंकि तो मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग और एक्टिंग यही चीज आती है जिंदगी में, इसी में मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी है। सो दैट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। और यहाँ मेरा एक बाप इतना स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट की इंतहा। दूसरी बात ये, मुझे स्कूल में होती थी प्रॉब्लम ये होती थी उनसे कि वो करते थे सब हीरोइन का, कभी बलात्कार कर रहे हैं, कभी हीरोइन की माँ को उठा रहे फिल्मों में, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो स्कूल में कोई मेरे से दोस्ती करने तैयार नहीं, उनको अपनी माँ का डर रहता कि इनकी माँ को ना उठा ले, उस बच्चे जो उस चीज को रियल समझने तो कोई स्कूल में भी ज्यादा मुझसे दोस्ती नहीं करता था, बोलता था यार इसका आदमी, इसका बाप बहुत बुरा आदमी है, जबकि बड़े बड़े स्मगलर्स और उसके बच्चे मेरे स्कूल में थे, लेकिन वो उसके बाप बहुत अच्छे थे, मेरा बाप बहुत बुरा, क्योंकि वो स्क्रीन पे स्मगलिंग कर रहा है, हीरोइन का बलात्कार कर रहा है, हीरोइन की माँ को छेड़ रहा है, हीरो को मार रहा है, पुलिस को धोखा दे रहा है, एंड द वर्क्स। सो आई हैड सच ए कॉम्प्लेक्स चाइल्डहुड, मैं आपको बता नहीं सकता। अकेला कहते हैं ना, हम 100 में भी तन्हा है, और मतलब और क्या बड़ा अच्छा अच्छा फ्रेज है वो, भीड़ में भी तन्हा है और 100 में भी अकेले है, मेरा वो हाल था, मतलब भीड़ में भी हम तन्हा थे और 100 में भी हम अकेले थे। मैं फिर ये आ गई स्टेज के भाई स्कूल वूल खत्म होने लगी, तो उसके बाद फादर ने कहा चलो अभी तुम क्या करना चाहते हो, उसको क्या इंजीनियर डॉक्टर वाले, नहीं मुझसे तो पढ़ाई होगी नहीं, मुझसे ऐसा होगा नहीं, आई डोंट हैव द ब्रेन्स फॉर ऑल दिस। भी उनको ऐसा लगा कि बॉस ये जो है ये उस रास्ते पे जा रहा है, तो इस रास्ते पे मैं इसे नहीं जाने देना चाहता। बोले ठीक है, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप खुद स्ट्रगल करेंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैं आपके लिए एक फोन नहीं करूंगा किसी को, और हो सके तो आप मेरा नाम भी मत लेना कि आप मेरे बेटे हैं। मैं बोला ओके डन, मतलब यही है, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने फिर किसी भी तरह चक्कर वक्कर चला के, उस वक्त तो ये सब शोरीज वगैरह का चक्कर दौर नहीं था, चक्कर वक्कर चला के अपना एक फोटो सेशन कराया, और यू नो बाकायदा प्रोडक्शन वालों से बोल के कपड़े दिए, और कुछ मेरे पास थे कुछ नहीं थे, तो वो प्रोडक्शन वाला था एक, उसे कपड़ा भी अच्छा सूट पहन के, इंस्पेक्टर का इसका उसका सब पहन पहन के मैंने फोटो सेशन किया। बोला बॉस आधा आधा काम तो हो गया, अब आधा काम ये कि ऑफिस ऑफिस जाना है, तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक डायरेक्टरी आती फिल्म इंडिया, वो फिल्म हालांकि घर पे सबका आना जाना था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हूँ कि उनसे कहूँ कि तो मैंने बहुत डर डर के एक दिन फिर भी मैंने कहा कि बोला आप थोड़ा तो बोला देखिए मियाँ, मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे फादर ने कहा कि अगर उनमें तुम्हारे कुछ नज़र आता था तो वो खुद मुझे कहते कि आपके बेटे को हम हीरो लेना चाहते, उन्होंने और मुझे डिमोरलाइज कर दिया। मैं बोला बॉस ये तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी करना पड़े,
वहां से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, फोटोज वोटोज लेके वो फिल्म इंडिया की डायरेक्टरी ली, और उसमें पेपर आता था, स्क्रीन पेपर, स्क्रीन मैगजीन आता था, हर वेडनेसडे को आता था, उसमें पता चलता था कि साहब कौन सी प्रोड्यूसर की फिल्म शुरू हो रही है, किसकी। मैं बाकायदा साहब ऑफिस ऑफिस गया हूँ फोटो लेके, और सबको बोल के भाई मुझे एक्टिंग करना। इत्तफाकन कुछ पहचान जाते थे, कुछ पूछते थे आपकी तारीफ, आपका बैकग्राउंड बताइए, तो बहुत ही डरते डरते मैं अपना बैकग्राउंड बताता था कि साहब मैं ये हूँ, और मेरे जैसे ही फादर का नाम सुनते रहे सब जमते, अरे उनका फोन नहीं आया, उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं, पर साहब उन्होंने मुझसे मना किया बताने को, तो मैं क्या बताऊँ। तो इस तरह से खूब स्ट्रगल की मैंने, फिर डरते डरते, लेकिन मैं बोला नहीं करूँगा, करूँगा या तो मरूंगा, यही दो ही चीज है। तो उसके बाद हाईलाइट भी देखिए आप, तकदीर भी क्या खेल खेलती है, हमारे दूरी रिश्तेदार लगते हैं वो, रेडी ने उनके साथ भी फिल्में की है, नासिर हुसैन साहब, नासिर अंकल अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो फिल्म बना रहे थे कयामत से कयामत तक। तो मुझे पता चला अरे नासिर अंकल की फिल्म बन रही है, मैं बोला अरे वेरी गुड, मैं चला गया वहाँ पे। तो पहले तो मुझे बाहर बिठाया गया, जी कौन है आप, ये है वो है, बोला जी मैं एक्टर हूँ, मैं वहाँ से साहब से पूछा था, बोले अच्छा फोटो लाए हो, जी हाँ लाया हूँ, अच्छा ठीक है बैठिए। तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट बाहर बैठा, दो तीन गिलास पानी की पी लिए, फिर नासिर साहब ने बुलाया, बोले कहूँगी यहाँ कौन है आप, क्या है, यह है। मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग का शौक रखता हूँ, और आप फिल्म बना रहे, हाँ वो मेरा बेटा मंसूर जो है वो फिल्म बना रहा है, और अगर आप हीरो के रोल के लिए आए तो भूल जाइए, हीरो हमारा उधर बैठा है, वो कोने में एक हीरो बैठा था, छोटा सा प्यारा सा चॉकलेट बॉय, आमिर, आमिर खान जिसका नाम है। अच्छा मैं बोला वो हीरो है, मैं बोला चलो यहाँ तो हीरो का रोल तो सवाल पता नहीं पड़ता मैं कभी सोचा भी नहीं था, मैं बोला था मुझे एक्टर बनना है, अब चाहे आप मुझसे पॉजिटिव करा लो, नेगेटिव करा लो, कॉमेडी करा, एक अच्छा एक्टर बनना ये मेरे दिमाग में था। मैंने देखिए सर तो बात तो बहुत बोले यार तुम्हारी शक्ल, एक हमारे दोस्त हैं उनने बहुत मिलती है वो, मेरे बहुत छुपाने के बाद भी राज छुप नहीं पाया, और बात उनको पता चल गई, अरे अजीत साहब ने फोन नहीं किया, ऐसे कैसे तुम, और तुमने बताया क्यों नहीं, ये उन्होंने देखिए उन्होंने मना किया बताने के लिए, तो मैं क्या बताऊँ, अच्छा ठीक है मैं कुछ अच्छा वो कुछ होगा तुम मान ले मैं बता, मैंने मिला के मैं आ गया। उसके कुछ हफ्ता 10 दिन बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो घर पे आ गए, वो आके कुछ पे भड़कने लगा, अरे कहाँ हो तुम, कब से नासिर साहब तुमको याद कर रहे हैं, वो फोन मिला रहे, फोन कौन सा फोन, उसका मोबाइल वगैरह तो नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह थे, अरे वो कब से फोन कर रहे हैं, अच्छी डैडी की एक ऑफिस हुआ करती थी माउंट वेरी पे, वो उस नंबर पे मिला रहे थे, और हम ऑफिस में नहीं, हम तो घर पे थे, वो चलिए चलिए आपको बुलाया, बोला चलो मैं गया। अरे बोले यार देखो बड़ा अच्छा रोल है, हीरो के दोस्त का रोल है, बोला अच्छा ठीक है, बोला हाँ 20 दिन ऊटी में रहना है, 30 दिन खंडाला में रहना है, ये मतलब जहाँ रहे बोलेंगे आप रह लेंगे, बस आप अच्छा रोल दीजिए, काम दीजिए मुझे। तो इस तरह से मेरा सफ़र जो है वो कयामत से कयामत तक शुरू हुआ। फिर करते फिर वो एक फिल्म और मिली सोम मंगल शनि, जिसमें मैं हीरो था, हेमंत बिरजे उसमें लीड था, मैं सेकंड लीड था, विजयता पंडित वगैरह सब थे। फिर उसके बाद एक हॉरर फिल्म मिली मुझे पुराना पुरानी हवेली, और वो मैं यहाँ पर रोज आती है किसी ना किसी चैनल पर पुरानी, इस तरह से हमारा सफर। लेकिन सर मेहनत जो है ना वो रंग लाती है। yes. मैं सबको यही कहूंगा कि आप, मैं कहता हूँ ना 30 मार खान के बेटे क्यों ना हो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने आप को फना नहीं करेंगे, तब तक आपको मंजिल नहीं, मंजिल मिलेगी तो भी, कहते ना ऊंची नीची है डगरिया, ऊंची नीची डगर वाली मिलेगी, लेकिन उस पर आपको डट के रहना है और लगे रहना है बस, और कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में, लगे रहो, हौसला मत हारो, डोंट गेट नेगेटिव थॉट्स, डोंट सल्क, डोंट थिंक के दैट क्या होगा यार, ये फलाना टॉम जो है वो इतनी फिल्में कर रहा है, टिक इतनी फिल्में कर रहा है, मेरा क्या होगा,
अरे तेरा सब कुछ लिख के तू पैदा हुआ है, हर आदमी की मुट्ठी में ऊपर वाले ने उसकी किस्मत लिख के दे दी है, अब आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है, खुद बनाना है। ऊपर वाला तो नीचे नहीं आ सकता है, अलबत्त नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ऊपर जब आप ऊपर जाओ तो कम से कम ऐसा तो करो कि यहाँ पर लोग आपको याद रखें, यार अच्छा आदमी था, अच्छा काम किया उसने, समथिंग गुड अबाउट यू। Yes, that's what I think. That's how I look at life. और ये सेम चीज़ें मैंने अपने बेटे को भी कही है कि बेटा तुम एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तुमको कहीं भी रेकमेंड करूँगा, तुम शोरील बना लो, एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो, जो जैसा प्रोटोकॉल है उसका, और जाओ ऑफिस जाओ और अपना स्ट्रगल करो, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करती है कि साहब आप उस लायक है या आप उस लायक नहीं है। हर बच्चे को, हर बाप को, हर माँ को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पब्लिक इज द फाइनल डिसीजन, वो आपको एक्सेप्ट करती है या आपको रिजेक्ट करती है। ये बात है सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें सभी को बहुत खुशी है कि आप एक ऐसी फिल्म से लॉन्च हुए कयामत से कयामत तक, जो अपने आप में एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन था, और एक साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिले, आमिर खान मिले, वैसे हमको आप भी मिले, और मैं जानता हूं उस फिल्म में बहुत सारे और किरदार भी थे, छोटे मोटे रोल्स थे, राजूत सिंह जी थे आपके साथ, उनको भी उस फिल्म के जरिए लोगों ने पसंद किया, एक और थापर जी है वो भी शायद उस फिल्म में थे, और जूही चावला को दूसरी जिंदगी लाइफ मिली, मकरन जी थे, हाँ मकरन जी वेरी वेरी फाइन एक्टर, वेरी वेरी ताकि बहुत सारे यंगस्टर्स, यंग आने वाली पीढ़ी के बहुत सारे, भले चाहे लीड एक्टर हो, चाहे कैरेक्टर रोल करते हो, चाहे मेन थिंग इज दैट कि कयामत से कयामत तक के जरिए बहुत अच्छे एक्टर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिले, म्यूजिशियंस मिले, म्यूजिक डायरेक्टर्स मिले, सिंगर्स मिले, उससे पहले आप सभी ने काम किया था, लेकिन इस फिल्म के जरिए सभी को एक पहचान मिली, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं इस मौके पर खास जो हमारे साथ आर्टिस्ट आज मौजूद है, निकिता शाह गुजराती बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, तो मैं सर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कयामत से कयामत तक फिल्म से आपका कोई पसंदीदा नगमा आप सुनना चाहते हो तो। वैसे मैं एक माफी चाहता हूँ, मैं वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ जूही चावला की वजह से देखता हूँ, मैं माफी चाहूंगा। हम भी आज तक उसी वजह से देखते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। आमिर साहब सबको सबको प्यार हो जाए जूही चावला से, इतना अच्छा किरदार निभाया जूही ने, एवरीबॉडी एनीबॉडी वुड फॉल इन लव विद हर, शी लुक्स सो गुड एंड शी परफॉर्म सो वेल, जितना जूही की तारीफ की जाए उतनी कम है। आमिर ने भी अच्छा काम किया, आमिर है, लेकिन जिस तरह से जूही ने काम किया है, सुपर आउटस्टैंडिंग, द इनोसेंस, द मासूमियत, कमाल कमाल का है। और जूही का हाथ आनंद साहब का इस फिल्म में हमको सुनने को मिला, और मैं पिछले दिनों मिलिंद साहब से भी बात हुई थी इस बारे में, तो उनकी फिल्म, उनकी जर्नी में भी ये फिल्म एक लैंडमार्क है, वहीं से उनको भी एक उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, सभी के लिए ये फिल्म अपने आप में एक पहचान दिलाने वाली फिल्म थी, इवन मंसूर खान साहब। तो सर आपका कोई फेवरेट नगमा कयामत से कयामत तक? मेरा सबसे अच्छा मुझे उसका फिल्म में वो गाना लगता है, अकेले है तो क्या गम है, I think that's one of my favorite songs. I still love to hear it, and whenever I go into a trance, I'd love to sing it for you. एक बात आपको खास बताएंगे कि ये गाना हम लोग, मैं और निकिता जी, जनरली बहुत सारे शोज में गा चुके हैं, ये खास आपके लिए निकिता आज इस गीत को पेश करेंगी। और ये गाना है, तो मैं आपसे सर ये भी बताना चाहूंगी कि शिवांग जी जितने अच्छे एंकर है उतने ही अच्छे सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो क्वेश्चन आएंगे तो आप देख लीजिए, लेकिन हम दोनों मिलके ये आपका फेवरेट गाना सुनाने जा रहे हैं। अकेली है तो क्या गम है,
तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो आपका। तेरे तो है हम कब से सनम, अकेले है तो क्या गम है। थैंक यू, थैंक यू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। माशाल्लाह आप दोनों की आवाजें बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मुझे उस गाने की दोबारा याद आई। बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं टेलीविजन में भी, बहुत ही यादगार आपने कैरेक्टर्स किए हैं, फिल्मों में भी बहुत ही यादगार कैरेक्टर्स किए हैं। मुझे कुछ आपके रोल्स के बारे में बताइए, आपके चहीते कैरेक्टर्स के बारे में बताइए सर प्लीज। चहीता कैरेक्टर की तलाश तो मुझे अभी तक है, तो चहीता कैरेक्टर अब तक मिला नहीं है मुझे, और उसकी तलाश अभी तक जारी है। हाँ, लेकिन जिस कैरेक्टर से मुझे वाकई में जो एक अच्छी वो मेरी पहचान मिली, वो थी मेरी फिल्म अंदाज अपना अपना, जिसमें आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा और परेश रावल साहब, बिजू खोटे साहब, मैं, टिकू तलसानिया, जावेद खान, एंड यस आई कैन नेवर फॉरगेट गोविंदा एंड जूही चावला, वो भी थे उसमें गेस्ट अपीयरेंस में ही सही, बट वो फिल्म क्राइम मास्टर, क्राइम मास्टर शक्ति कपूर, माय गॉड शक्ति कपूर साहब तो कमाल, मतलब कमाल। तो पहले वो कुछ ट्रैक और था उस क्राइम मास्टर गोगो को, पहले ट्रैक चीनू आनंद जी के साथ शूट किया था हमने, फिर उनकी कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वो रीशूट हुआ शक्ति कपूर साहब के साथ। उस फिल्म से एक पूरा रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आया मेरे करियर में, और एक अच्छा बूस्ट मिला लाइफ में मुझे उस फिल्म से बहुत, क्योंकि इतना मतलब इट वाज अ पैरेलल, मतलब अगर दो सीन, एक सीन हीरो हीरोइन का हो रहा है तो एक सीन भल्ला और रॉबर्ट और तेजा का भी, साइमल्टेनियस बोल दे, नेक टू नेक, और जब बराबरी का मुकाबला हो तभी विलेज को एक वो मिलता है, पहचान मिलती, बाकी एक्टर्स को, हीरो फिल्म तो खैर हीरोज के लिए बनती, हीरो हीरोइन के लिए, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को भी एक वो मुकाम तब मिलता है जब उनका भी पैरेलल ट्रैक चले। यस यस, और वो उस फिल्म में वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। फिर तो खैर बहुत फिल्में की, तिरंगा की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, और मधुर के साथ, मधुर की पहली फिल्म थी वो भी, इतनी आई एम वेरी बैड एट नेम्स, बहुत सारी फिल्में करते रहे करते रहे, अभी तक अभी इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले मेरी फिल्म रिलीज हुई, हाँ फिर उसके लास्टली मैंने मेरी वो फिल्म आई सलमान के साथ, वी वर्क आफ्टर 25 ईयर्स मी एंड सलमान, भारत एक फिल्म थी अभी जो अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की थी, वो भी मैंने फिर लॉकडाउन से पहले एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले हमारी फिल्म आई, जिसके प्रोड्यूसर थे शाहरुख खान साहब, कामयाब नाम था उस फिल्म का, आई थिंक दैट वाज द लास्ट फिल्म टू रिलीज इन थिएटर्स इन मुंबई। तो इस तरह से है जिंदगी, और सीरियल्स मतलब 1000-2000 एपिसोड, और मैंने सीरियल्स इनफैक्ट तब शुरू किया करना जब लोग सीरियल्स नहीं करते थे, फिल्म एक्टर्स जो खासकर फिल्म सिनेमा करते थे वो सीरियल को नहीं करना चाहते थे, मैंने तब सीरियल शुरू किया, आई थिंक 95-96 में बालाजी टेली फिल्म्स की सबसे पहली सीरियल थी कैप्टन हाउस, वो मैंने की, फिर मेरी बड़ी हिट सीरियल हुई शाकला का बूम बूम, युग युग सीरियल वो हुई, और फिर बहुत सारी दारा सिंह जी के साथ की जी पे आती थी वो, नाम भूल रहा उसका क्या था वो भी आई थिंक 1000-2000 एपिसोड उसको टीवी में किए हमने। फिर इस तरह से सर काम देखिए, जो हम काम के भूखे हैं, काम के पुजारी है, तो बस काम है, काम है, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि वही आपका आपका एक मुकाम, उसी से बनना है आदमी की, और ख़ास करके आदमी की पहचान उसके काम से होती है। यस, मेरे
मेरी मम्मी जो है मरहूम बेचारी इस दुनिया में नहीं थी, वो हमेशा कहती थी आदमी काम करता हुआ अच्छा लगता, आदमी घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। वो अलग बात है लॉकडाउन में बड़े बड़े आदमी घर में बैठे रहे, लेकिन जो उनके जो बचपन से जो हमें कहते ना तो सीख जो पड़ी है वो ये थी कि आदमी काम करता हुआ अच्छा लगता। ये बात है सर, यहाँ पर हम एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकते। अंदाज अपना अपना फिल्म के साथ हम सभी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई, यानी कि इस जनरेशन की सबसे बेस्ट कॉमेडी फिल्म अनडाउटली अंदाज अपना अपना है। हमारी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, इस जनरेशन में हमने शायद इससे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म नहीं देखी। तो सर ये अपॉर्चुनिटी हम छोड़ना नहीं चाहते इस फिल्म से लेकर, जहां पर और एक बात मैं खास बताना चाहूंगा, मैं तकरीबन 200 से ज्यादा आवाजों में वॉइस ओवर्स करता हूँ, बरसों से डबिंग करता हूँ। लेकिन जो उस किरदार में भल्ला साहब के किरदार में आपने जो अजीत साहब को पोर्ट्रे किया है वो शायद हिंदुस्तान का नहीं कोई दुनिया का कोई आर्टिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके जीन्स में है, आपके खून में है। जो एक्सप्रेशन के साथ जो आपने डायलॉग बोले हैं, सभी को ऐसा ही लगता था कि अजीत साहब ही इस रोल को कर रहे हैं। सर एक अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर एक छोटा सा एक डायलॉग हो जाए हमारे बीच में। रॉबर्ट और भल्ला की एक बहुत ही उनका एक कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा था। विजू छोटे सर, हेड्स ऑफ टू हिम सर, आपके यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस है, सीन्स ऑफ रॉबर्ट एंड भल्ला बहुत ही फेमस है। और मेरी पर्सनल, मैं आपके सामने बैठा हूं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट एज एन फैन मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्म है अंदाज अपना अपना, चाहे शुरुआत से लेकिन लास्ट तक मैं डायलॉग बोल सकता हूं। लेकिन एक छोटा सा डायलॉग हो जाए जो वास्को डी गामा की गन वाला सीन, तो विजू खोटे सर पहले बोलते हैं और उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हैं परेश रावल जी को, तो वो एक सीन अगर हम कर पाए तो लाइव प्लीज। बाद में आप एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते ना किसके मामा की गन है, विजू अपना परेश जी बोलते सर वास्को डी गामा की गन है, ये वास्को डी गामा की गन है, नाम लेके फायर कीजिए, गोली ठीक निशाने पे जाती है। वाह भाई वाह, वैसे भी आप लायन के बेटे हो तो लायन के बेटे लायन ही होंगे। आपको मैं उसके पीछे ट्रेजेडी बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना आपके वो बनते बनते चीज बन जाती है, मुझे उसमें अगर जो भी प्यार मिला लोगों का, सराहना मिला, एक मुकाम मिला, वो सारा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मैं हम उस वक्त नए थे सर, दो तीन चार फिल्में की थी हमने और अचानक ये फिल्म मिल गई और इतना माशाल्लाह थ्रू आउट द फिल्म, अलबत्ता इतने आज जितने कैंस में पड़ी है ना सीन, जितने पंचेस एडिटेड पड़े हैं, अगर वो साथ में जोड़ दिया जाए तो आप लोग और पागल हो जाएंगे, मतलब लोग हंस हंस के गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे पंचेस एडिट के लेंथ की वजह से। मैं कितनी बार मैंने अपने गॉड ब्लेस हिम हमारे प्रोड्यूसर साहब, मैंने अब इस दुनिया में नहीं रहे, विनय सिन्हा जी, उनको मैंने कहा विनय जी आप पार्ट टू जब बना तब बनाओ, लेकिन आप जो एडिटेड पोर्शन अंदर पड़ रखे हैं कैंस के अंदर वो निकालिए और वो जोड़ दीजिए, लेट पब्लिक सी द होल ऑफ अंदाज अपना अपना एंड दे विल गो मैड। Yes, इतने पंचेस है उसमें, इतने उसमें बाकायदा पंचेस है, ये है कह रहे ये अजीत का बेटा है, साला बात भी वैसा करता है, ये है एकदम पंच पे पंच, पंच पे पंच, लास्ट में भी एक्चुअली इसमें तो दिखाया कि एंड जो है इनके ऊपर हो, लास्ट में हमको पुलिस ले जाती पुलिस में और परेश रावल बोलते है कि अभी क्या करना पड़ता, मैं कहता हूँ सर मेरे नए प्लान के मुताबिक, तो वहां वो खत कड़ी लगी हुई, हाँ yes exactly that was the end and you know it was mind blowing teen saal lage film banne ko, lekin ek institution hai Rajkumar Santoshi saab aur baaki jitne bhi actors the, main I was very very new, I was the only newcomer you can say,
बाकी सब इंस्टीट्यूशन, आमिर सलमान भी कंपैरेटिवली नए ही थे उसमें, बट सबसे नया तो मैं ही था, बट इट वाज एंड यस जी जी बोलिए। उसमें एक स्पेशल चीज और थी, शायद दुनिया के लिए वो स्पेशल ना हो लेकिन मेरे लिए पर्सनली बहुत ही स्पेशल थी। उस फिल्म के सभी गाने गाए थे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, जो कि अभी इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एसपी साहब का बहुत बड़ा भक्त हूं और पूरे हिंदुस्तान में मैं उनके वन मैन शोज करता हूं उनके गानों के। पिछले साल मुझे उनको मिलने का भी मौका मिला, लेकिन आपकी फिल्म का, उसी फिल्म का एक गाना जो मैं सभी दोस्तों को एसपी साहब को याद करते हुए डेडिकेट करना चाहूंगा, जिसमें आप सभी है, देखते हैं क्या हो रहा है रात को। अच्छा ये रात और ये दूरी। खास बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से हम लोग जब भी एसपी साहब का शो करते हैं तब निकिता जी मेरे साथ इस गीत को गाती, तो इस गीत को खास अंदाज अपना अपना की टीम को और खास मेरे गुरु जी आप मेरे आइडल एसपी साहब को याद करते हुए ये की दो पंक्तियां हम आपको पेश करना चाहेंगे सर, आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चितोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए चिकोले, ये रात और ये दूरी। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सलेंट एक्सलेंट, माशाल्लाह क्या आवाज है आपकी, क्या आवाज, कमाल। एसपी साहब की याद दिला दिया। कम है जाने से पहले, उसके बगैर आपका, हमारा और सभी दर्शकों का इंटरव्यू अधूरा रहेगा। एक साहब के अंदाज में उनका एक ट्रेडमार्क डायलॉग जो था, प्लीज सर आप, लेकिन आप हमारे लिए टाइगर हो, टाइगर एंड इट इज अ ग्रेट थिंग के अजीत साहब लायन के नाम से मशहूर थे और आप अपने नाम से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी किरदार की वजह से टाइगर। मैंने उनकी लेगेसी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किए और कुछ नहीं है, जस्ट कैरी फॉरवर्ड इज लेगेसी। वो भी इस वजह से होगी क्योंकि ऊपर वाले ने शक्ल सूरत कुछ मिलती जुलती बना दी, लोग कहते मैं उनकी जेरोक्स कॉपी हूँ। यस यस। तो जो सबसे ज़्यादा डायलॉग मुझे अच्छा लगता है मेरे फादर का, अजीत साहब का, वो है कालीचरण। फिल्म कालीचरण में आई लव हिम द मोस्ट एंड स्पेशली दैट सीन जिसमें वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब आते हैं, उन्हें डराते हैं और वो सब चीज़ें जो हो रही है, और शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं और एज यूजुअल हीरो है, काट डालूंगा भूंगा, अजीत साहब कहते इंस्पेक्टर पहुंच के यहाँ दौड़ था, बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान। एक फिश टैंक रहती है, वो उसे गिरा देते हैं, मछलियां जमीन पे तड़प रही है, पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प, मैं भी ठीक तो मैं उसी तरह तड़पाऊंगा, रॉबर्ट इस हराम ज्यादा इंस्पेक्टर को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन से मरने नहीं देगा, और अगर ये तब भी नहीं मरता तो इसे स्वील लगाकर साइड में फेंक दो, लोग समझेंगे इसने सुसाइड किया है। वाह भाई, वाह, वाह भाई, क्या बात है। मैं अक्सर शोज में बोलता हूँ, लाइव शोज में स्टैंड अप जब कॉमेडी होती है तो मैं अजीत साहब का डायलॉग जब बोलता हूँ तब बोलता हूँ, हमेशा दर्शकों के लिए बोलता हूँ, कि अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो हमारे आदमी आपके पीछे खड़े। तो वो एक ऑन द स्पॉट एक माहौल बन जाता है। सर वक्त हमारे पास कम है, कुछ और चीजें जल्दी से हमें बताइए कि इस पैंडेमिक में क्या हमको पॉजिटिव लेना है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं।
सर, रेडियो मौसम के दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए। भाई वैक्सीन का इंतजार करते करते वैक्सीन लगाने का मौसम आ गया, आप क्या कहे इससे ज्यादा। मैं यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए, जितना हो सकता है अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इट्स बेटर टू बी, यू नो, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, एंड डोंट लूज होप। ये देखिए, ऊपर वाले ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, कोई रोक नहीं सकता, कोई चीज़ को उसको वो नहीं कर सकती, इसीलिए लगे रहिए, लगे रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत ही मजा आया शहजाद खान जी के साथ इस टॉक शो में। हमें लगा कि वक्त जैसे थम सा गया है, हम आपसे कुछ आपकी और आपके डैड की बातें सुनते ही रहे, लेकिन वक्त का तकाजा देखते हुए आज हमको ये शो एंड करना पड़ रहा है। दोबारा से मैं यहाँ पर रेडियो मौसम की ओर से जितने भी सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू शहजाद खान जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और जाने से पहले सर आपके मुंह से भी एक बार सुनना चाहेंगे, रेडियो मौसम इट्स ऑसम। अपनी स्टाइल सर, अपनी स्टाइल में सर, रेडियो मौसम इट्स ऑसम, ऑसम। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। रेडियो मौसम के इस टॉक शो बातों बातों में आज आप सुन रहे थे बहुत ही मजे हुए कलाकार, एक वेटर एक्टर शहजाद खान साहब को, और इसे बेहतरीन तरीके से पेश किया मैं शुभांग दवे और निकिता शाह। आप सब सच चाहते हैं थैंक यू। रेडियो मौसम इट्स ऑसम।